मुझे पता है कि वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, मैं कुछ भी करके इस वीडियो को छोटा नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुन के शॉक में डाल देंगी कि ऐसी चीज़ें भी भारत में हो रही हैं, यहाँ पे अभी भी, और मुझे बोलना पड़ रहा है, मैं हर वो चीज़ मेंशन करूँगा, यहाँ पे अभी भी 80% हिंदू आबादी है जो मूल नागरिक थे, और वो मुसलमान हैं जो हिंदुओं से ही मुसलमान बने, वो भी नागरिक हैं, उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि मूल नागरिक नहीं है, वो थे तो हिंदू ही और इसीलिए वो मूल नागरिक हैं। और कहीं भी विदेशी कल्चर आता है तो उसको विदेशी बोलना पड़ता है, कल्चर वो है, वो रिलीजन बाहर का ही है, इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। भारत में रह के वहाँ का कल्चर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो डिफरेंसेस आपस में आएंगे। खैर टॉपिक वो नहीं है। और ये जो रिपोर्ट मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसको पढ़ते वक्त मुझे खुद में अंदर अंदर रोना आ गया था। मैं पढ़ता जा रहा था, जब मैंने पहली बार पढ़ी थी कल, मैं पढ़ता गया, मैं दुखी होता गया, मैं शॉक होता गया कि ये हो क्या रहा है, ये हमारे देश में हो कैसे रहा है, और पुलिस भी इस तरीके से इन्वॉल्व है कि कुछ करना नहीं चाहती। क्या ये यही फ़र्क है कि हम लोग को सोचना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ भाजपा सरकार नहीं है वहाँ प्रशासन भी आपका नहीं है, वहाँ आपका हिंदू होना भी गुनाह है, आपको जगह बदलनी पड़ेगी। इतना अपीजमेंट का लेवल इतना हाई है कि मुसलमान गलत ना भी हो, एक पॉइंट पर अगर वो सोचे कि चलो हम मिलजुल के रहें, लेकिन सरकारें कहती हैं कि तुम आतंक मचा दो, हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, और कहती हैं, इनडायरेक्टली कहती हैं, एक्शन ना लेके कहती हैं, ये मेरा मतलब है। खैर मैं चाहता हूँ आप लोग ये वीडियो पूरी देखिए, अगर किसी को भी अपने हिंदू होने पर थोड़ा सा भी प्राउड है और थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है कि इस भारत को ये लोग खा जाएंगे, इस वीडियो को शेयर करो, इस न्यूज़ को शेयर करो। अगर मेरी वीडियो ना भी शेयर करनी हो तो मैं लिंक दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, शेयर करो, एक्शन होना चाहिए, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि अगर आज अपने लिए तुम खड़े नहीं हुए, जैसे तुम लोग कश्मीरी हिंदू पंडितों के लिए खड़े नहीं हुए, तो वो लोग भी सोचते होंगे कि एक स्टेट में हो रहा था और पूरा भारत देख रहा था, आज फिर बिहार में हो रहा है, पूरा भारत देख रहा है, कल तुम्हारे घर के अंदर घुस के ये लोग कर रहे होंगे और पूरा समाज देखेगा, सोचेगा कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं मदद की गुहार लगाऊंगा और बैठा रहूंगा। टॉपिक यहाँ पे ये है कि बिहार के गोपालगंज के कटिया गांव में, वहाँ पे एक पकौड़ा तलने वाला व्यक्ति राजेश, उसका बेटा रोहित, एक दिन 28 मार्च को रिपोर्ट तो की गई ओप इंडिया के द्वारा, पूरा क्रेडिट मैं उसको देता हूँ, मैंने वहीं से पढ़ा, 10 तारीख को, ये पिछली 10 तारीख को, आज 11 है, 10 तारीख को रिपोर्ट की गई, सोचो कितने दिन तक मामला छुपा, 28 मार्च, अप्रैल, मई तक, मई में जाके हो रहा है, वो भी किसी मेन स्ट्रीम में नहीं उठाया, और पता नहीं ओप इंडिया को भी कितने बड़े बड़े लीडर्स पढ़ते होंगे भाजपा या किसी भी पार्टी के, कि उनको एक्शन लेने में इतनी देर हो गई। खैर तो मैं आपको पूरी लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर मुझसे कुछ छूट गया या मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाया तो आप ज़रूर देखिए, उसके तहत जाके आप कंप्लेन करिए, आप कहीं बात पहुँचाइए जहाँ तक कर सकते हैं, इस वीडियो को वायरल करिए, शेयर करिए, क्योंकि दो दो कौड़ी के लोगों की वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं जो भारत के खिलाफ में बोलते हैं, लाखों व्यूज ले जाते हैं। मुझे कोई व्यू की लालच नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि आपको चार वीडियो जिसमें और दिखाऊंगा, जिसमें उस लड़के की बहन लिटरली रो रही है, उसका बाप रो रहा है कि मुझे भी मार दिया जाएगा। खैर मैं सस्पेंस खोल रहा हूँ, लेकिन कई चीज़ें इस वीडियो में आएंगी जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, तो पूरा देखना, एटलीस्ट समझना इस मुद्दे में है क्या। तो 28 तारीख को 3-4 मुसलमान बच्चे, अब मैं बोलूँगा, मुसलमान बच्चे उठाने आते हैं रोहित को गेम खेलने के बहाने, कि आओ कुछ खेलते हैं बाहर, तो उसको उठा के ले जाते हैं, और पास में ही गांव में एक मस्जिद बनी होती है, नई मस्जिद, और वहां ले जाते हैं, और रोहित को 6 लोग मिलके, उन मुसलमान बच्चों के माता पिता और वो बच्चे मिलके वहां पे मार डालते हैं। आपको फोटो दिखाऊंगा, फोटो बहुत क्लियर नहीं है लेकिन फोटो दिखा दूंगा मैं, तो मार देते हैं। कहना यह है कि नई मस्जिद बनी है और वहाँ पे किसी हिंदू की बलि चढ़ाई जाएगी, सेक्रीफाइस किया जाएगा, तो मस्जिद की पावर और बढ़ जाएगी, इन्फ्लुएंशियल हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी, ये टर्म भी यूज़ किया गया है इस रिपोर्ट में। मैं धीरे धीरे रिपोर्ट पढ़ता गया, मुझे अंदर अंदर गुस्सा आता गया कि हो क्या रहा है। वहाँ के पुलिस प्रशासन के पास जब परिवार वाले गए, एक्चुअली हाँ, मारने के बाद पास की नदी में फेंक दिया गया। रोहित के पिता का कहना है, जिसकी हत्या हुई, रोहित के पिता का कहना है कि इस तरीके से उसको फेंका गया कि इस हैवी चीज से बांध के रखा गया कि पानी के अंदर रहे वो, और ये साबित हो जाए कि वो मरा है, हत्या नहीं हुई, वो डूब के मरा है।
लेकिन डूब के मरने वाले के यहाँ पे कटता नहीं है और कहीं निशान नहीं होते। तो पिता का कहना है कि हम लोग जब भी पुलिस स्टेशन गए हमारे साथ ऐसा बदसलूकी वाला व्यवहार हुआ। उन्होंने धीरे धीरे वीडियोज भी बनाई हैं, कुछ कुछ आपको दिखा दूंगा मैं वो भी। उसमें भी बदतमीजी, गाली गलौज, मैं म्यूट नहीं करूंगा, जिसको जो गाली सुननी है सुन ले उसमें, उस वीडियो में, और बहुत बदतमीजी से लगाया गया। ये तो प्रशासन है गाली मत दीजिए आप, बुला पुलिस, बुला, गाली दीजिए मत, बुला बुला पुलिस को, हमारी है ना, गाली देंगे, हम लोग को विश्वास जब मेरा लड़का सुन रहे हैं चुटकी रे, तो लौड़ा मेरा वीडियो बना रहा है, कैसे बात कर रहे हैं, अरे कौन है लौड़ा का वीडियो बनाएगा तू, हमारी सर, खड़ा हो, खड़ा हो साला, खड़ा हो, खड़ा हो, वीडियो कौन चीज का बना रही है रे, कौन चीज का वीडियो बना रही है, तेरा बेटा को हम मारे है, आप नहीं मारे हैं, फिर भी वीडियो मेरा लौड़ा का वीडियो बना रहा है पांचो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, वीडियो मेरा लौड़ा का बना रहा है तू, लौड़ा देखने आ रहा है, कौन सा देखने आ रहा है, क्या देखने आ रहा है, आरोप है कि प्रशासन, वहां का पुलिस प्रशासन बिका हुआ है, पैसे खाया है या क्या हुआ है, लड़की ने खुद अपने मुंह से कहा है, हमारी मदद कीजिए, मेरे भैया का चेहरा नदी में फेंक दिया और पुलिस बोल रही है कि वो डूब के मरे क्योंकि पुलिस पैसा खा लिया। मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो लोग जाके थाने में अपने आप को गोली मार लेंगे, और मैं और मेरा छोटा भाई किसके सहारे जाएंगे बताइए, और जिन्हें पुलिस कैद जेल में डाला था उनसे उनको छोड़ दिया बताइए, और प्लीज हमारी मदद कीजिए प्लीज। और बाकी के जितने मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि FIR, अगर दो लोगों का नाम भी है कि अगर नहीं FIR वापस लोगे, पुलिस कह रही कि कर लिया हमने लेकिन क्या हुआ पता नहीं चला अभी तक एग्जैक्टली, तो वो लोग कह रहे नहीं लोगे तो तुमको भी मार देंगे हम लोग, वहाँ के मुसलमान ये कह रहे हैं कुछ मुसलमान, और ये तो खौफ है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ की पुलिस ने जब इन लोगों ने बताया कि हमें मारने की धमकी दी जा रही, तो एक अधिकारी हैं कहते हैं कि आप फिर जगह बदल लो भाई, वीडियो में वो है उनके मुंह से आप शब्द सुन सकते हैं कि फिर देख लो कहीं और चले जाओ, महिला कहती है कि कहीं और कैसे चले जाएं आप हमें घर दिलाइए, तो वो गाली देते हैं उनको, कितना कह रहे हैं हम लोग चारों के जेल भेजे भेजे ना चारों हम लोग के ऐसा बात साहब बोल रहे हैं तो घूम रहे हम लोग के पावर है छोड़ने का सर, मारने के लिए सर बार बार मारने के लिए धमकी दे रहा है, हम लोग घर में छुपे हैं सर, आप घर से बाहर अपना कहीं घर बनाइए, जो आपको अपने जान का इतना फिक्र है तो आप कहीं और अपना घर बनाइए, दीजिए ना पैसा, हम कौन दीजिए, दिमाग खराब है क्या, हमारा दिमाग खराब किया, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कहीं अपना घर बनाइए, तो अभी वो परिवार उत्तर प्रदेश में आके कहीं छुपा हुआ है, और ये लोकेशन भी बताई नहीं गई है उनकी सेफ्टी पर्पज के लिए, परिवार के लिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मुसलमान हर जगह हैं, 20% की आबादी है, कोई उम्मा के कॉन्सर्ट पे किसी को किसी की तकलीफ समझ में आई और किसी ने किसी और के लिए कहीं और मार दिया तो वो तो प्राउड फील करेंगे कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, और जो इंसान मस्जिद बनाने के लिए किसी हिंदू की बलि देना जायज़ समझता है और उससे मस्जिद की पावर बनती है, तो मैं नहीं समझता ये कहीं से एक रिलीजन है या फिर ये, मैं कोई नेम कॉलिंग नहीं करूँगा, कोई अजीब अजीब वर्ड से नहीं बुलाऊँगा, लेकिन माफ़ करना, नफ़रत फैलाने का काम मुसलमानों की तरफ से ही हो रहा है और वो लोग अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको उसके फादर की, उसकी बहन की और वो जो दोनों वीडियोस थी। मेरा नाम राजेश जायसवाल, थाना कटिया, जिला गोपालगंज, मैं डी बिलिंग का रहने वाला हूँ, मेरा पकौड़ी का दुकान पकाना है, हम और हमारा लड़का रोहित जायसवाल जो 15 वर्ष का है, हम लोग दोनों मिलकर दुकान चलाते थे, हम लोग का कैसे भी धर्म क्रम चलता था, बहुत गरीब आदमी है, और पूरा भारत में लॉकडाउन होने के कारण
हमारा लड़का घर पर अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था, जिसमें प्रियांशु कुशवाहा आया और बोला कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, और जिसमें तीन और मुसलमान भी लड़का उनको भेज के बुलवाया कि जा बोला के ला के लेके आओ रोहित को, और लेके गए और गला दाब कर नदी में मार के फेंक दी। फेंकने के बाद उन लोगों का परिवर्जन भी शामिल है, जिसमें पूरा परिवार भी शामिल है, जिसमें उसका पिता का नाम बशीर अंसारी और उसका और पिता का नाम नजाम अंसारी भी शामिल हैं। बुलाने में वो भी, मारने में वो भी शामिल हैं। मार के फेंक दिए, उसके बाद फेंक दिए। रात भर पूछने के बाद भी पता नहीं चला कि कहाँ है। सुबह बताया कि उधर ही मार के फेंके हैं। मार के फेंकने के बाद हम लोग गए, अपने लड़कों को निकाला नदी से। उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किया तो प्रशासन बहुत लेट से आया। आने के बाद हम लोग प्रशासन आया, पुलिस लाश को लेके गया। लेकिन सब होने के बाद हम लोग घर चले आए, और दूसरे दिन हम पकहाँ जा रहा था तो रास्ते में अफजल अंसारी, साबिर अंसारी, जो साबिर अंसारी हमारे गांव का नहीं है लेकिन अफजल अंसारी हमारे गांव का है, बोला कि तुम अपना केस वापस कर लो, नहीं तो तुमको भी मार के फेंकेंगी। हम पेपर लेने गए थे पकहाँ पढ़ने की क्या क्या समाचार आया हुआ है, लेकिन वो लोग बोला कि तुमको भी मार के फेंकेंगी। तो हमारा लड़का मर गया, लेकिन हमको भी मारने की साजिश हो रहा है। हम मर जाएंगे तो बताइए, हमको न्याय चाहिए। हमारा लड़का भी मर गया, अब हमको भी मारने का, पूरा परिवार हमारा छोटा छोटा लड़का है, हमको भी मारने की साजिश हो रहा है। हमारा प्रशासन एक भी दिन हमारे घर पे नहीं आया, क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है बताइए। प्रशासन जाने पर बोला कि जाओ, तुम्हारा लड़का डूब के मरा है बताइए। प्रशासन बोला कि आप हमारा लड़का डूब के मरा है बताइए। ये डूब का मरने का फोटो है, आप ही लोगों से देख के बताइए, ये डूब का मरने वाला फोटो है, हाँ थोड़ा भी पानी पिया हुआ है, हाँ बताइए, आप लोग का डूब का मरने वाला फोटो है, थोड़ा भी लड़का पानी पिया हुआ है, देखिए आप लोग, हाँ थोड़ा भी डूब के मरने वाला फोटो है। बोल रहा है कि प्रशासन की तुम्हारा लड़का डूब के मरा हुआ है, क्या क्या मालूम कौन कौन पैसा खाया हुआ है, किसका हाथ है, हमको न्याय चाहिए। अभी असली मुजरिम पकड़ा नहीं गया है, घूम रहा है बाहर। दो आदमी और नाम लिखे हैं, वो भी नहीं पकड़ा गया, बाहर घूम रहा है, तो हमको न्याय चाहिए। इसमें कौन कौन शामिल है, किस वजह से हमारा लड़का को मारा गया है, वो हमको न्याय दिलाइए, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। नहीं, हमको न्याय कैसे भी दिलवाइए। ठीक है, रख रहा। आप ही समझिए कि एक पकौड़ा तलने वाला अपने केस को तो जाहिर सी बात नहीं लड़ सकता, उसके पास ना पैसा है कि हर जगह घर बदल बदल के रह सकता है। अब अगर ये हालत हो गई है कि एक हिंदू हिंदुस्तान में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भागा भागा फिर रहा है, और ऐसा करने के लिए पुलिस सजेस्ट कर रही है, पुलिस ने ये भी कहा कि हम क्या कर सकते हैं, और मतलब ये तक कह रही है, आप वीडियो में आप सुने होंगे कि हमने थोड़ी मारा है उसको और वो धमका रहा है, तो हम क्या है? मतलब पुलिस की इतनी गंदी लापरवाही, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पुलिस को तो उल्टा गुस्से में जाना चाहिए, सबसे पहले सबको अरेस्ट करना चाहिए, सबको चार डंडे मारो, उगलवाओ, पूछो। ये करने के बजाय पुलिस ने उस पीड़ित फैमिली को, जिसने अभी अपना बेटा खोया है, उसको और ह्यूमिलिएट करना, मारना पीटना। रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे ह्यूमिलिएट किया, पीटा भी, हाथ हाथ मोड़े, सब कुछ किया, गाली का गुजर और किया एक महिला के सामने भी। जिस देश में पुलिस बहुत कहती रहती है कि महिलाओं की इज्जत करो, पुलिस में महिलाएं भी भर्ती होती हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन खैर ये सब एक तरीके का दिखावा होता है जो समय समय पर सामने आता है। जब प्रैक्टिस करना होता है तो वही सब कैमरे के पीछे दोगले ही करते हैं। खैर पूरे पुलिस प्रशासन को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन जो कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। खैर ये 10 तारीख को अगर रिपोर्ट की गई है, यानी 10 तारीख तक की सारी अपडेट्स इसमें होंगी, और इसमें कहीं नहीं लिखा है कि उन लोगों पर एक्शन हुआ, उन लोगों को पकड़ा गया, पूछताछ की गई, सब अभी भी घूम रहे हैं, ऐसा फैमिली ने भी एलिज किया है। जो लड़का मरा है उसके पिता का ये कहना है कि 6 लोगों ने मिलकर मारा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक मस्जिद के लिए ऐसा हुआ है, तो मतलब जहाँ जहाँ मस्जिदें बनती हैं वहाँ वहाँ सीक्रेटली बुला के, जैसे इसमें हुआ, कोई किसी ना किसी हिंदू की बलि चढ़ाई जाती होगी, काफिर की, सो कॉल्ड का, वो हिंदू तो लिखा नहीं हुआ कुरान में, काफिर लिखा हुआ शायद, तो काफिरों की बलि चढ़ाई जाती होगी। तो मतलब काम शुरू हो गया गजवाए हिंद का, अंदर ही अंदर कन्वर्जन चलता ही है, किसी को पता नहीं चल रहा है और मारा भी जा रहा है। खैर कोई मुझे इस बात का जवाब नहीं देगा, मुझे पता है कोई मुसलमान तो बिल्कुल नहीं देगा, और
मुसलमान इसके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाला है ये भी मुझे नहीं पता, वो चुप हो जाएगा, मुझे फालतू फालतू के तर्क से काउंटर करेगा। लेकिन जो हिंदू देख रहा है, मुझे उससे रिक्वेस्ट है, अगर कोई यहाँ तक आ भी गया, कोई टिका हुआ है यहाँ तक, ज़्यादातर लोग बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, अगर कोई देख रहा है तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो वायरल नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, जो लिंक दी हुई उस लिंक के थ्रू रिपोर्ट पढ़ो, तुम्हें लगे कि कन्विंसिंग है, तुम्हें लगे कि इस पर एक्शन होना चाहिए, तुम्हें लगे कि इंसाफ मिलना चाहिए अपने सेंसेस से, तो उस लिंक को ट्विटर पे वायरल कराने की कोशिश करो, बड़े बड़े नेताओं को टैग करो। मैंने कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया और फिर मैंने वीडियो भी बनाई है। मैं जो कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश तो करूँगा ही, आप जो कर सकते हैं आपको भी करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे तो एक चीज़ और लगती है कि यूट्यूब पर कुछ फोर्सेज ऐसी हैं कि मेरी कई वीडियोज़ को थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ने देती हैं। मैंने देखा है 100-200 व्यू होते हैं, उसके बाद 200 का 201 होने में कई दिन लग जाते हैं, जैसे 200 हो गया उसके बाद 4-5 दिन में 201, ऐसा पॉसिबल नहीं है नॉर्मली। लोग या तो रिपोर्ट करते हैं या तो लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रोकती हैं। तो इसका मतलब लोगों को डर लग रहा है, इसका मतलब लोगों को जो मैं बताता हूँ उनसे घबराहट है, उनको खतरा फील होता है, तो ऐसा करते हैं, ये उनको फील हो रहा है। अगर वो ऐसी पावरें देख रही हैं, मुझे खुशी है कि तुम्हें डर लग रहा है, डर लगना चाहिए, डरो, तुम गलत हो तभी डर रहे हो, तुम सही होते तो तुम डरते नहीं, समझ में आ रहा है, लेकिन तुम गलत हो, तुम डर रहे हो, तुम डरते रहो, तुम डरोगे और तुम्हारा इस चीज़ का भी समाधान होगा। अभी भारत में जो 80% आबादी हिंदुओं की है उसमें 0.01% लोग जान गए, तुम्हें समझने लगे, 0.01 का 1.0 हो गया यानी 1% आबादी, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे इसी में आग लगी हुई है, इसी में मिर्ची काट रही है। मैं उस 1% आबादी को कहना चाहता हूँ जो अपने आप को राष्ट्रवाद, हिंदू, सनातनी, भाजपा सपोर्टर, मोदी सपोर्टर, योगी सपोर्टर, आरएसएस सपोर्टर, कुछ भी अगर कहता है, कुछ भी कहता है, भगवे के अंडर में है, तो इसके खिलाफ एक्शन कैसे होना चाहिए, कितनी जल्दी होना चाहिए तुम इंश्योर करो, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। खैर, फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।